नमस्कार आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस के नरेडिया ऑफिशियल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए राजस्थान हाई कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या कहें सहायक कर्मचारी या कहें ग्रुप डी की भर्ती के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जिन्हें हम प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से आपको बताएंगे। यदि आप नए हो या आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको अगला टेस्ट पेपर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें। एक बात याद रखो, अभी से अपना टारगेट फिक्स करो और मॉर्निंग में उठते ही उस टारगेट पर फोकस करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। निम्न में से किस शब्द की संधि सही है? क्वेश्चन नंबर वन। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो देखें, ऑप्शन ए कपि प्लस ईश्वर, कपीश्वर। कपीश्वर शब्द में दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि के नियम अनुसार हसु अथवा दीर्घ ए आ ई ई उ से परे एक जैसे हसु या दीर्घ स्वर आने पर दोनों मिलकर दीर्घ अर्थात आ ई उ हो जाते हैं, अतः विकल्प ए सही है। तो हमारा विकल्प क्या होगा? कपीश्वर। और बाकी तीनों ऑप्शनों में जो भी संधि विच्छेद या संधि की गई है वो सही नहीं है। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस शब्द में दुर्ग उपसर्ग नहीं है? तो जैसे ही क्वेश्चन में लिखा है दुर्ग उपसर्ग, अब हमें आंसर में देखना है कि दुर्ग उपसर्ग किस ऑप्शन में नहीं है। तो हम देखते हैं दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्दशा और दुसाध्य। हमें आंसर देखने से ही पता चल जाता है कि ऑप्शन क्या है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो आंसर रहेगा डी, दुसाध्य। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपयुक्त विकल्पों में से डी विकल्प में दिए गए दुसाध्य शब्द में दुर्ग उपसर्ग न होकर दुष उपसर्ग है। यह शब्द दुष प्लस साध्य के योग से बना है, दुसाध्य। अतः हमारा विकल्प कौन सा होगा? दुसाध्य। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, निम्न में से किस विकल्प में द्विगु समास है? तो हम देखते हैं कि द्विगु समास, द्विगु समास जैसी क्वेश्चन में आता है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि द्विगु समास क्या होता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, ए नवग्रह, बी पीताम्बर, सी महावीर एवं डी हार जीत। तो इसमें से हम देखते हैं कि जो ऑप्शन ए है नवग्रह, वो इसका सही ऑप्शन है। नवग्रह में द्विगु समास है, वह समास जिसके पूर्व पद अर्थात जिसका पूर्व पद संख्यापद विशेषण हो या संख्यावाचक विशेषण हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराए, उसे ही हम द्विगु समास कहते हैं। नवग्रह में नव शब्द संख्यावाचक है तथा नवग्रह शब्द नौ ग्रहों का समाहार का बोध कराता है, अतः जो इसका ऑप्शन होगा वो नवग्रह अर्थात ए होगा। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, निम्न में से किस वाक्य में कर्ता कारक परसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन हम देखते हैं, ए बच्चे ने दूध पी लिया, बी राकेश पत्र लिख रहा है, सी हमने दही के साथ रोटी खाई, डी मैं उसके लिए पुस्तक लाया। अब हमें देखना चाहिए कि कर्ता कारक कौन से में है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही है। शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का परसर्ग ने है। भूतकालीन पूर्ण सकर्मक क्रियाओं के साथ ने विभक्तियां पर्गसर्ग का प्रयोग किया जाता है, अतः विकल्प ए जो है वो अपना सही है। पांचवें क्वेश्चन में अपन आते हैं, निम्न में से किस वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किया गया है? संदिग्ध भूतकाल अर्थात
भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने पर संदेह प्रतीत हो वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। तो हम ऑप्शन में आते हैं, ए ऑप्शन तुम आते तो मैं भी चलता, बी ऑप्शन उन्होंने काम किया है, सी ऑप्शन विद्यालय बंद हो गया होगा और डी ऑप्शन माताजी ने खीर बनाई। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो ऑप्शन सी है उसमें लिखा है विद्यालय बंद हो गया होगा, सी जो ऑप्शन है उसमें लिखा है विद्यालय बंद हो गया होगा, तो इसमें हमें संदिग्ध लग रहा है। जरूरी नहीं है विद्यालय बंद हुआ है, हो सकता है बंद हो भी गया हो और नहीं भी हुआ हो, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, चिड़िया शब्द का बहुवचन है, चिड़िया शब्द का बहुवचन है, ऑप्शन हम देख लेते हैं, ए चिड़िया, बी चिड़ियाएं, सी चिड़ियाओं, डी चिड़ियाओं। अब इसका जो आंसर वो होगा वो ये होगा ऑप्शन ए चिड़िया। या से अंत होने वाले स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में अनुनासिक जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, अतः चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होगा, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि का उदाहरण है, निम्नलिखित शब्दों में से विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो हम देखते हैं विसर्ग ऑप्शन देख लेते हैं, ए दुशासन, बी उद्घाटन, सी उच्चारण, डी समान। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा। हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, क्योंकि विसर्ग संधि में जो ऑप्शन है वो ए ही है। विसर्ग संधि का यदि हम उच्चारण करते हैं दुह प्लस शासन दुशासन, इसमें विसर्ग संधि के नियम, यदि विसर्ग के बाद से में कोई व्यंजन आए तो विसर्ग आगे के व्यंजन का रूप ले लेता है, के अनुसार विसर्ग का से बन गया। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो दुशासन है, क्योंकि औरों में देखो ऑप्शन बी उत् प्लस घाटन उद्घाटन, ये विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। उत् प्लस चारण उच्चारण, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। सम प्लस मान सम्मान, ये भी उत् विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो अपन ऑप्शन देख लेते हैं, ए जलज नीरज राजीव, ये नहीं है, बी तट तीर कुल, ये भी नहीं है, तीसरा कोकिला श्यामा आत्मजा, और अगला ऑप्शन है गोपाल वासुदेव मोहन, ये भी नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा कोकिला श्यामा आत्मजा, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शनों में सभी पर्यायवाची है, लेकिन कोकिला वे श्यामा शब्द कोयल के पर्यायवाची है और आत्मजा शब्द पुत्री का पर्यायवाची है, इसलिए हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन कोकिला श्यामा आत्मजा। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म गलत है, मित्र शत्रु मान सम्मान, मितव्ये अपव्ये मलिन और निर्मल। तो यहाँ हमें साफ नजर आ रहा है कि ऑप्शन बी जो हमारा है मान सम्मान वो हमारा सही है। वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थात उल्टे हो या उल्टा अर्थ प्रकट करते हो वो विलोम शब्द कहलाते हैं। विकल्प बी में दिए गए शब्द विपरीत अर्थ का नहीं अपितु सम्मान अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि मान शब्द की विपरीतार्थक अपमान होता है, अतः मान सम्मान ये हमारा ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 10, सहायता करना किस मुहावरे का अर्थ है? सहायता करना किस मुहावरे का अर्थ है? इसमें ऑप्शन अपन देख लेते हैं, ए हाथ बटाना, बी हाथ पसारना, सी हाथ धो बैठना, डी हाथ मलना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो आंसर होगा ए, ए ऑप्शन है जो हमारा आंसर है, हाथ बटाना। क्योंकि सहायता करना, हम किसी की सहायता कर रहे हैं, हाथ बटाना इसका मतलब भी यही हो गया कि हम किसी की सहायता करने कर रहे हैं, तो हमारा विकल्प ए सही होगा। जबकि हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है कि हम किसी से कुछ मांगे, अर्थात हम किसी से कुछ मांग रहे हैं, तो मांगना हो गया। हाथ धो बैठना, इसका मुहावरे का अर्थ है खो देना, अर्थात हमने कुछ खो दिया। और हाथ मलना, अर्थात हमें पश्चाताप हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि हम पछता रहे हैं। ये तीनों मुहावरे हैं। अब हम देख लेते हैं राजस्थान जीके के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, ताल छापर अभ्यारण किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हम इसमें ऑप्शन देखते हैं, बाघ, बी ऑप्शन भालू, सी ऑप्शन काले हिरन और डी काले हिरन और डी ऑप्शन जंगली सुअर। अब इसमें अपन देखते हैं कि ताल छापर अभ्यारण जो है वो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। ताल छापर अभ्यारण जो है वो चूरू जिले में स्थित है और यहाँ ये कृष्ण मर्ग काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और भाषा का एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। तो अपन ऑप्शन देखते हैं यहाँ, ए ऑप्शन सीकर, बी अलवर, सी जैसलमेर और डी भीलवाड़ा। तो हम देखते हैं कि मेवाती भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती भाषा जो बोली जाती है वो खास तौर पे अलवर भरतपुर में बोली जाती है, अर्थात अलवर भरतपुर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी लगा लो नॉर्मल हो सकता है बोले। तो जो मेवाती भाषा बोली जाती है वो अलवर और भरतपुर में बोली जाती है। तो अपना जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन में देखते हैं अपन, अलवर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अलवर, बी ऑप्शन। मेवाती बोली राजस्थान के पूर्वी जिलों मुख्यतः अलवर भरतपुर में बोली जाती है, लेकिन इसके आसपास जो धौलपुर करौली है इसमें भी कुछ कुछ बोली जाती है, जो कि ब्रज भाषा और बागड़ी भाषा का मिश्रित रूप है। अगला अपना जो क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट जो है वो जो प्रसिद्ध है वो है अपने बाड़मेर का, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा बी सही है। अगला जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में दो बार आयोजित होता है? वर्ष में दो बार आयोजित होता है, तो अपन ऑप्शन देख लेते हैं, पुष्कर मेला, दैनेश्वर मेला, जीर्ण माता मेला एवं शीतला माता मेला। तो जो अपना ऑप्शन सी है, जीर्ण माता मेला, ये राइट आंसर होगा, क्योंकि जीर्ण माता का मेला सीकर में लगता है और ये चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में बार बार दो बार लगता है, चैत्र में भी लगता है और आश्विन में भी लगता है। अतः जीर्ण माता का मेला जो लगता है वो वर्ष में दो बार लगता है। जीर्ण माता का मेला सीकर में लगता है, देवासा सीकर में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15, राय का रेबारी जाति के आराध्य लोक देवता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए
बाबूजी, बी गोगा जी, सी तेजा जी और डी रामदास जी। तो रायका रेवारी जाति के आराध्य लोक देवता, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रायका रेवारी जाति का से रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देख लो, लगभग किसी तरीके से आता ही रहता है। जैसे कि रायका रेवारी, कौन सी पशु की पालक जाति है, ऊंट पालक जाति, कौन सी जाति को कहा जाता है रायका रेवारी। तो अपन देखते हैं कि यहाँ जो आंसर होगा वो अपना होगा पाबूजी, ए ऑप्शन होगा पाबूजी, क्योंकि रायका रेवारी जाति के आराध्य लोक देवता पाबूजी है। क्योंकि ये इसलिए है कि जो ऊंट पालक जाति है वो रायका रेवारी है, और ऊंट पालक जाति होने के कारण इसलिए ये लोग पाबूजी को पूजते हैं, क्योंकि ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी को फड़वा जाती बाची जाती है, ये कहावत है और ये रियल में भी सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन पाबूजी। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ऊंट पालक जाति कौन सी है, तो हमें ध्यान रखनी है रायका रेवारी। या ये क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता है कि ऊंट के बीमार होने पर किसकी फड़ बाची जाती है, तो किसकी फड़ बाची जाती है पाबूजी की। ये क्वेश्चन हमने कम बनाए हैं, आज शुरुआत की है, कल से सोचेंगे कि पूरी वीडियो बनाएं जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और 20 या 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के करेंगे। अब एक बार अपन इसकी राजस्थान हाई कोर्ट की जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो वैकेंसी निकली है उसका वो देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम क्या क्या रहेगा। तो इसमें देख लेते हैं कि कार्यालय चपरासी समतुल्य पदों पर चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों सम्मिलित होंगे। लिखित परीक्षा 85 नंबर की होगी और जो हमारा इंटरव्यू होगा वो 15 नंबर का होगा। जो लिखित परीक्षा होगी वो सामान्यतः 2 घंटे की होगी, जिसमें प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और जिसका जो सिलेबस होगा वो होगा सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और राजस्थान संस्कृति एवं बोलियां। लिखित परीक्षा में कुल 85 प्रश्न हो सकते हैं, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी व राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियां के हैं, जिसमें क्रम से 40 हो सकते हैं हिंदी के आए, 25 अंग्रेजी के और 20 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आ सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। लिखित परीक्षा ओएमआर सीट के माध्यम से होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल रिक्तियों के 5 गुना तक के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, अर्थात 5 गुना अभ्यर्थियों को पास करेंगे और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इम्पोर्टेंट, लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में आयु में बड़े अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार उम्मीदवार की समग्र उपयुक्तता को आंकलित करने के उद्देश्य से होगा। चयन के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में यदि समान अंक वाले अभ्यर्थी आते हैं, अर्थात ऐसे अभ्यर्थी हो जाते हैं जिसमें लिखित और साक्षात्कार दोनों के अंक समान हैं, तो साक्षात्कार में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को चुना जाएगा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में समान कुल अंक प्राप्त करने के साथ साथ साक्षात्कार में भी यदि समान अंक है तो आयु में सबसे बड़े अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। अब लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लेते हैं, जो सिलेबस में वो क्या क्या है। जनरल हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, काल, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, व्यंजन। इंग्लिश में अपन देखते हैं टेंस, आर्टिकल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल। मॉडल में देखो कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी और सियोनियम्स एंड एंटोनियम्स, वन वर्ड, जेंडर, एडजेक्टिव वर्ब, एडिटिंग एंड ऑमिशन। इस तरीके से ये सिलेबस होगा इंग्लिश का। अब अपन देख लेते हैं एक बार राजस्थान जीके में। तो राजस्थान जीके में राजस्थान लोकोक्तियाँ, राजस्थानी कहावतें, राजस्थानी मुहावरे, राजस्थानी बोलियाँ, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति,
राजस्थानी पहनावा वेशभूषा, राजस्थान के मेले त्यौहार, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक व दर्शनीय स्थल, राजस्थान के मूर्धन्य कवि एवं साहित्यकार, राजस्थान के लोक देवी देवता, राजस्थानी लोकगीत एवं लोक नृत्य। तो ये था राजस्थान के अंदर जो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है उसके लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट हमने बनाया है। कल से हम कोशिश करेंगे कि हिंदी और राजस्थान जीके के पूरे क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस टेस्ट शुरू करें। और आपसे ये निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपके पास आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाए जाएं ताकि एग्ज़ाम में आप सफलता ले सकें। और ध्यान रखें, क्लास लेना ना भूलें, रोज़ाना हम अपलोड करेंगे वीडियो ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद आप सभी का, आपने पूरी वीडियो देखी और आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ें और सफल होवें।